रविंद्र जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड में आज भी तेजी का सिलसिला जारी है। आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में यहाँ से अभी जो तेजी है, कुछ ट्रेडिंग सेशंस और जारी रह सकती है क्या? शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे खरीदारी में रहा जा सकता है, या फिर जिन लोगों को पहले कमाने का मौका नहीं मिला था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चले? देखिए, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्रूड की तरफ से भी एज मिल रहा है, साथ साथ में फंडामेंटल्स में वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं जी। तो अगर किसी को पोजीशंस लेनी है तो एक डिप अगर आता है, ग्वार सीड की बात करें तो 6000 के आसपास का डिप जो भी मिलता है वहां से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। हायर साइड में हम इसमें अगर 1 से 2 महीने का वेट करेंगे तो 65 से 6600 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं ग्वार गम की बात करें तो गम में भी अगर 10,800 के आसपास का डिप मिलता है तो वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। और इसमें भी आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि प्राइसेस जो है ये 12,000 तक के लेवल्स अपसाइड में शो कर सकते हैं। वही सपोर्ट जो है ये 10,500 के आसपास का इसमें बनता हुआ दिखता है जी। तो यानी कि आने वाले कुछ महीनों में रविंद्र जी के मुताबिक ग्वार गम और ग्वार सीड फिर से अच्छी तेजी की ओर जाते नजर आ सकते हैं।